तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टेक्सटाइलिंग टेक्स टूल इसी के ऊपर है सारा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है टेक्स, ये यूज़ होना ही होना। जो भी आपने कौन सी भी असाइनमेंट वगैरह करनी है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, उसमें सबसे पहले इसी नहीं होगा टेक्स नहीं। ठीक है, तो चलें टेक्स से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पड़ा हुआ है टेक्स टूल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका हम देखेंगे कि इसको कलर कैसे करना है, फिर ग्रेडियंट कलर, फिर रैप टेक्स कैसे करना है, वही के पाथ के अराउंड इसको कैसे आपने लेके आना है, कोई खुद से पाथ के आ गया उसके ऊपर कैसे लेके आना है, ये सारा आज हम देखेंगे। टेक्स से स्टार्ट करते हैं, मैं सिंपल टेक्स लिख रहा हूँ इधर। फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं, काफी छोटा है। ये सिंपल टेक्स लिखा है, ये इस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हर जगह आपने जो लोगो बनाना है, कोई भी डिजाइनिंग करनी है, वेब पेजेस बनाने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो टेक्स्ट का ही होगा। टेक्सटाइलिंग का, टेक्सटाइलिंग का ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये क्रिएटिव डिजाइनिंग मैंने लिखा है सिंपल, बिल्कुल ऊपर आपके पास जो प्रॉपर्टी मेन्यूज आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, उनसे आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, कोई भी पर भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स हैं आपके पास जो बाय डिफॉल्ट हैं इसके, कोरल के, जिस तरह इलस्ट्रेटर कहते हैं। आप कोई सा भी फॉन्ट इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ फ्रैंकलिन गॉथिक है, नीचे बाद है, चलिए एलिफेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रीडेबल नहीं होगा तो स्ट्रेट फॉर्म को यूज करते हैं। ये हमने फॉन्ट किया, ये सिंपल फॉन्ट है, इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है वो आपने बिल्कुल उसी तरह साइड से आपके पास कलर शो हो रहे हैं। सिंपल कलर जो है वो इधर से चेंज होगा, जो साइड से आपके पास जो सा भी कलर आप करना चाहें कर सकते हैं इजीली। ये सिंपल टेक्स्ट है, दूसरा कोई फॉन्ट चेंज करना चाहें इसको ठीक या थिन करना है आपने, इधर आए ये इधर से इसकी फॉन्ट 700 तक। ठीक है, ठीक है।
अकाउंट्स का कोई इशू है इसमें शायद, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये लास्ट पे क्या लग गया इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर जो है इसी का, ये ऊपर आपके पास शो हो रहा है। ये टेक्स्ट को सेंटर कैसे करना है, ये बोल्ड है, ये साथ ही अंडरलाइन है। ठीक है, इसके बाद ये सेंटर, लेफ्ट, टॉप, राइट, मैं सेंटर करता हूँ तो सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट पे कर देगा। अभी मैं सेंटर में हूँ, ये दोनों का आपस में सेंटर है, ये दोनों का ऊपर वाले को देखते हुए ये सेंटर होगा नीचे वाला। ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसको कोई कलरिंग वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, अंडरलाइन बोल्ड ये लिखा हुआ है, इसका साइज ये लिखे हुए हैं साथ। अभी हम 150 किया हुआ है, 150 को कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल टैक्स था, ये पहले भी आप लोगों को इसका आइडिया है। ठीक है, ये फाउंट इसमें बेसिक क्या था देखने वाला, ये फाउंट फाउंट कैसे चेंज करना है, उसकी जो साइज है वो कैसे इंक्रीज करना है। आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप डायरेक्टली जो है इधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको कि पाथ जो हम यूज़ करते थे कोई भी पाथ, उसके अराउंड इसको कैसे ट्रैप करना है। ठीक है, इसके भी काफ़ी सारे मेथड हैं इसको रैप करने के, भी हम फर्स्ट मेथड जो है वही डिस्कस करते हैं। आप सर्कल ले लें सर, ये डिजाइनिंग नीचे वाली लाइन में कैसे आप लेके आए थे, ये क्रिएटिव के बाद एंटर प्रेस करें तो आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, ये मैंने लिया पाथ, तो इस पर अब टेक्स्ट जो है वो भी लेके आना। अभी पहले हम एक टेक्स्ट जो है वो राइट कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको इधर रखते हैं। इसके दो तीन, बल्कि दो तीन से भी ज़्यादा इसके मेथड हैं इसको रैप करने के, किसी भी शेप के अराउंड इसको कैसे मूव करवाना है, इसके दो तीन मेथड हैं। अभी फर्स्ट वाला देखते हैं, इधर आप लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में इसका फर्स्ट मेथड जो है सिंपल वो वाला देख लेते हैं कैसे करना है। ये आपने शेप ले लिए, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ज़्यादा सिंपल है, इसको पहले देख लेते हैं। टेक्स्ट अराउंड पाथ, थोड़ा सा साइज अगर बड़ा करके देखें हुआ है कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मेथड है। ऊपर वाले को जरा भी मूव कर देते हैं। सर ये दोबारा बताइएगा। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि सर ये कैसे किया आपने, ये कैसे किया? इसके दो तीन मेथड हैं, अभी हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं जो सबसे सिंपल है। ठीक है, ये कैसे करना है, ये मैं फिर से, एक हमने लिया है
इसको रिमूव कर रहा हूँ। कोई सा भी पाथ ले लें आप, मैंने सर्कल लिया है। सर्कल ले लिया, उसके बाद आप आ जाए टेक्स्ट में, टेक्स्ट ले लिया, उसके बाद पाथ के ऊपर आए जो एडजेस ये दे रहा है एडजेस, किसी भी जगह पे जब एज आए तो वहाँ पे क्लिक कर दें, वहाँ अपना टैक्स अराउंड इसका साइज ज़्यादा करके देख लें, साइज काफ़ी छोटा है इसका, और थोड़ा सा कर लें 72 कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया टैक्स अराउंड पाथ, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करें तो ये आपको दे रहा है ऑप्शन इसको ड्रैग करने के, ठीक है। जो ही माउस लेके आएंगे आप इसको इनर ले आएँ, ठीक है, इसको पकड़ के नीचे ले आएँ, ठीक है। एक बार आपने इसको पकड़ना है और जिधर मर्जी आप ड्रैग करते जाएँ इसको, ठीक है। ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ इधर ही, जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको कैसे किया? यस सर। मुबीन नहीं क्या कर गया, पता ये कैसे लिखा? सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दो। जी सर दोबारा बता दे, समझ नहीं आई। सर ये बस मेरा राउंड नहीं हो रहा, जो ऐसे आपने ड्रैग करके नीचे लेके गए हैं ना वो नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा एक ले रहा हूँ पाथ, सर्कल ही ले लिया ये, ठीक है। तो थोड़ा उधर रख लेते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि टैक्स अराउंड पाथ, किसी भी पाथ के ऊपर, टैक्स का पढ़ रहे थे, टैक्स अराउंड पास, तो आप जाएं टैक्स में, ये आपके पास टैक्स टूल है ए लिखा हुआ जिधर ए, ठीक है, उसको लेके जाएं तो ये अपने पास के ऊपर लेके आए, ये आपको टिल्ड शो कर रहा है एजिस के ऊपर ना, एज ये बता भी रहा है साथ साथ, ठीक है, टिल्ड शो कर रहा है। तो इधर आप क्लिक करें एक बार, ठीक है, इसका फॉन्ट सॉरी टैक्स लिख लें, उसके बाद फॉन्ट चेंज करें, मैंने लिखा है टैक्स अराउंड पास, जो हम काम कर रहे हैं उसी का नाम लिखते हैं, तो साइज ज़्यादा कर लें, ज़्यादा हो गया तो कम कर लें 72 कर लें, ठीक है। ये आ गए, उसके बाद आप आए, ये आपको ये जो डॉटेड लगे हुए हैं ब्लैंक है जो बिल्कुल छोटे छोटे बने हुए हैं इधर, आप इनके ऊपर अपना माउस लेके जाएं तो ये क्रॉस आ जाएगा इसके ऊपर, इसको यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करें, जिधर भी आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे या बिल्कुल लाइन के ऊपर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो आपको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इधर करना चाह रहा हूँ, पोज इसने इधर रख दिया है टैक्स अराउंड पॉप, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, सॉरी वो सर्कल का हो गया। तो ये है बिल्कुल इसके ऊपर आपने टैक्स रखा है, टैक्स रखा है, तो ये स्मूथ हो गया। आप इसी तरह इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं या किसी और डायरेक्शन में,
वो आप मूव कर सकते हैं। मैं सपोज करें इसको इनसाइड करना चाह रहा हूँ, ये देखें, अगर इनसाइड करना चाह रहा हूँ छोटा टेक्स्ट, तो इनसाइड इसको कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार टेक्स्ट लिखें उसको जिधर मर्जी मूव करवा लें। मैंने फिर इसे लिया, ठीक है, ये देखें, इसको बाहर जितना मर्जी आप, ये रहेगा ये आपके पास के ऊपर ही रहेगा, ये सर्कल में ये साथ आपको शो होगा, इसका डिस्टेंस शो कर रहा है आपके सर्कल से। ठीक है, ये देखें, आप जितना दूर जाएंगे वो आपको डिस्टेंस शो कर बताएगा। इसी तरह बॉटम के ऊपर जितना मर्जी दूर आप रखना चाहें, लेकिन जो पाथ आपने दिया है उसी के ऊपर ये बिल्कुल उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, पाथ के ऊपर ही मूव करेगा। ये क्लियर हो गया सबका? यस सर, हो गया। तो अभी हम देखते हैं तो इसको जी क्या कह रहे हैं? मूव किस तरह करवाया है? ये आप उसको लेके आए, आपको रेड, ये रेड निशान भी दे रहा है आपको ना, आप माउस लेके आएंगे ये रेड कर देगा। ये देखें, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे आपके पाथ के ऊपर, इधर लेके आए माउस, इसको ड्रैग कर लें। ठीक है, तो ये इसके बाद आपको रेड लाइन दे रहा है। ये अगर आप देख सकते हैं टेक्स्ट के मिड में या लास्ट में, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको रेड भी कर रहा है। अगर सेंटर में आएंगे तो सेंटर में आपको वो ब्लिंक कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं रेड निशान ब्लिंक कर रहा है, वहाँ से आप इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में। इसी तरह अगर इसको नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ अपने टेक्स्ट को, जिसका म्यूट बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है कैंडी, जिसका माइक चल रहा है वो म्यूट करे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं, अच्छा ये था फर्स्ट मेथड इसका, दूसरा भी इसी तरह इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड था वो देखते हैं अभी। ये पाथ लिया, पाथ लिया बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, ये आपका ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको इधर लेके आए। ठीक है, ये आपके पास ऊपर टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट। ठीक है, ये मेन्यू में टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इधर आपको ऑप्शन है टेक्स्ट टू पाथ, फिट टेक्स्ट टू पाथ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें, अभी अपना माउस लेके आएंगे पाथ के ऊपर, वो खुद ही आपको जो ना सिलेक्ट कर देगा जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट सराउंड पाथ, खुद ही सेंटर भी बता रहा है, इसका लास्ट भी बता रहा है वो रेड निशान के साथ, और स्टार्ट भी बता रहा है टेक्स्ट आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसी तरह अगर नीचे जाएं वहाँ पे भी आपको जो है वो गाइड दे रहा है। ठीक है, आप हम इसके सेंटर में करेंगे पेस्ट, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल पाथ के ऊपर आ गया, जो भी आपने पाथ दिया हुआ उसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये पाथ के ऊपर आ गया बिल्कुल। ठीक है, अगर इसी को कलर करना चाहें आप, कलर करेंगे तो ये सर्कल का भी कलर ले लेगा। इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको कलर करना चाहें आप जैसे मर्जी कलर चेंज करें इसका। ठीक है,
आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये था टॉप के ऊपर, अगर इसी तरह इसको बॉटम में लेके जाना, जिस तरह हमने पहले भी कवर किया हुआ ये स्टेटर में कि इसको बॉटम पे लेके जाना, ये सपोज करें लोगों का नेम है और नीचे स्लोगन लिखना, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लें आप इसी टेक्स्ट को, ठीक है। अब इधर से पकड़ें साइड से, आपके पास स्क्रीन ब्लिंक हो रही है? नो सर। अच्छा तो इधर ही है। अच्छा इसी तरह आपने टेक्स्ट को नीचे जाके राउंड करना है, ये देखें मैं लेके आ रहा हूँ, ये आपका टेक्स्ट था, तो दो बार ले आते हैं। ये आपका टैक्स है, तो सपोज करें ऊपर लोगों का नेम, इसे सीधा राउंड करना हो नीचे भी ले जाके, अगर सीधा ही लिखना हो, ये तो उल्टा हो गया ना, मिरर आ गया है जी, मिस वही कर रहे हैं, अभी सीधा इसको करेंगे। ये क्लियर हो गया, आपको सीधा कैसे लिखना है, इसको नीचे कैसे ले गए? सर कॉपी करके इसको नीचे लेके गए हैं। हाँ जी कॉपी करके ले गए नीचे। एक्सक्यूज मी सर, सर वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से, तो मैंने दोबारा कनेक्ट किया सर। ये नाम तो लिखा गया, ये राउंड करना बता दे सर्कल के, जो सर्कल के साथ जो राउंड किया आपने, ये कैसे किया? कह रहे थे जम करवा देना ये नाम वगैरह, ये रोल नंबर, ये इसका ये बताइए सर जी। ये सर जी वो कह रहे हैं, किसका माइक इतना खुला हुआ है, काइंडली इसको म्यूट कर। सॉरी सर। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, पहले देखें ये इसको लेके गए हैं, मिस ने अभी पूछा, मैं भी उसी तरह कह रहा था कि ये मिरर हो गया नीचे, इसको सीधा कैसे करना है। जी सर। ठीक है, तो आप जाएं इधर टूल में, आपके पास ऑप्शन आ रहा था, टूल्स में जाएं, उसके पास कस्टमाइजेशन में जाएं, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी मेन्यू है वो हम ऊपर अपना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप जाएं कमांड्स में, टूल में गए, उसके बाद इधर जाएं आप कमांड में, डबल क्लिक करें, इधर से आप टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है, और नीचे आपके पास ऑप्शन होगा मिरर का, ठीक है, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, नीचे कहीं फाइंड करते हैं मिरर का ऑप्शन होगा, ये है, ये आपने कर लेना सेलेक्ट, दो आ रहे हैं आपके पास, मिरर टेक्स्ट फिटेड हॉरिजॉन्टली और मिरर टेक्स्ट फिटेड वर्टिकली, मैं वर्टिकली को वर्टिकल के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे ओके करें, ठीक है, आपके पास ये इधर दो सेटिंग्स आ गई हैं, मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है आपको, एक बार इसके ऊपर क्लिक करें आप हॉरिजॉन्टल कर लें, दूसरी बार करें वर्टिकल के ऊपर क्लिक, तो आपका टेक्स्ट जो है वो मिरर हो जाएगा, पहले मिरर था आप सीधा हो गया, ठीक है, इसका कलर आप चेंज करना चाहें, सॉरी सर्कल पूरे तो कर रहा है, एक सर्कल डिलीट करके करता हूँ, अभी ये देखें सिर्फ कि टेक्स्ट को जो है वो आपने कैसे राउंड किया है, कॉपी किया है, नीचे लेके आए हैं, और इसको नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास मिरर में आता है, जिस तरह इलस्ट्रेटर में भी हमने देखा था, तो हम उसके बाद उसको जो है वो सीधा करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, ये क्लियर हो गया सबको? ठीक
क्लियर है सब ये ऑप्शन मेरे डायरेक्ट भी मिरर की आ रही है अगर ये मैं इसके उसमें ना जाऊं टूल उसमें डायरेक्ट सामने मिरर वाला है तो मैं वो यूज कर सकती हूँ वो यूज कर लें मेरे पास आ नहीं था और मैंने उधर से कर लिया वो यूज करके देखते हैं आता दर्शन एक ही बात है ठीक है क्लियर हो गया सबको अब ना आप पूछ रहे थे कुछ ये बनाना आप पूछ रहे थे टेक्स्ट कैसे लिखा जी सर अब्दुल मनान सर मैं ये रोटेट करने का पूछ रहा था टेक्स्ट तो लिख लिया मैंने ये रोटेट कैसे किया आपने सर्कल के राउंड अच्छा सर कल के राउंड एक बार फिर देख लेते हैं दो बार लिख लें इसको मैं साइड पे करता हूँ आप एक पाथ लें सर्कल ले लिया टैक्स राइट करने के टैक्स अराउंड पाथ करने के दो तीन मेथड हैं ठीक है आप जो सा मर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में वो भी हम देख लेंगे अभी आप इधर से एक टैक्स लें ये आपको टूल नज़र आ रहा है टाइपिंग टूल ठीक है इसके ऊपर क्लिक करें और अपना टैक्स लिख दें टैक्स अराउंड इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें ये आ गया आपके पास yes, उसके बाद आप जाएं इसको सिलेक्ट कर लें फिर जाएं आप टेक्स्ट में और इधर होगा आपके पास है टेक्स्ट अराउंड पाथ ये लिखा हुआ कि टेक्स्ट टू पाथ ठीक है ये इसके ऊपर क्लिक करें तो आप ले के आए अपना माउस है लेके आए सर्कल के ऊपर आपको खुद ही जो है ना वो गाइड आ जाएगी इसकी कि कहाँ पे आपने उसको फेस करना है एक बार क्लिक कर देंगे सेंटर में जब आए ये रेड लाइन जो है सेंटर में बिल्कुल अगर थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये लास्ट पे चली जाती है हमने सेंटर में करना है तो इसको एक बार इधर क्लिक कर दें वो सेंटर कर दिया इसने ठीक है हो गया इतना क्लियर जी सर हो गया अच्छा ये हो गया तो इसके बाद नीचे कैसे लेके आए वो पता चल गया आपको कौन सा फॉर्म फॉर्म लेने आए थे जी क्या क्वेश्चन है दूसरा तरीका बताया वो पीटर राउंड पाथ वाला वो नहीं हो रहा वो जी सर नहीं हो रहा से क्या कह रहा है वो सर इसको दोबारा कीजिएगा ये ऊपर टेक्स्ट में जो है ये लिखा हुआ है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने फिट टू टेक्स्ट पाथ ये वाली ठीक है ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप सर्कल के ऊपर लेके आएंगे माउस को ये खुद ही आपके पास जो है उतर आ जाएगा ठीक है ये आगे जहाँ पे सेंटर हो सेंटर के ऊपर आप अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो कवर अच्छा तो ये क्लियर हो गया अब्दुल मनान रिया नाज आपका आ गया जी सर ये हो गया मेरा लेकिन अब इसको डबल करना भी बता दीजिए जैसे नीचे आपने इसके मिरर किया था एक बार इसको सर इसको कॉपी कंट्रोल सी से करेंगे कंट्रोल सी और वी से कंट्रोल सी अभी ये काफी हो गया इसको पकड़ें ये अपना माउस लेके जाएं जहाँ जहाँ पे भी वो एरो हो आपके पास इधर अभी आ नहीं रहा ठीक है इधर आ रहा है स्क्रीन कर्व कैसे किया है टेक्स्ट को कर्व मैंने बताया बता दे दोबारा
लेट आए हो यार, आप डेली लेट आते हो। सर जी नेट नहीं सही चलता अभी भी, हम बड़ी मुश्किल से नेट या किसी से नेट नहीं चलता तो सही करवाओ ना इसको। अच्छा अब्दुल मनान ये आपका इस बार कॉपी पेस्ट कर लें ठीक है, कंट्रोल सी वी से, और एक को आप ड्रैग कर लें नीचे की तरफ ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर था मैंने वहाँ पे छोड़ के, ये मिरर आ गया नीचे ठीक है जी सर। ये नीचे आ गया आपका, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको सीधा कैसे करना है वो थोड़ी सी इसी मेन्यू हमें लेके आनी पड़ती है, जो मैंने बताया अभी मिरर की बाई डिफॉल्ट नहीं आ रही होती, वो आपने जाना है इधर टूल्स में, इधर कस्टमाइजेशन है ठीक है, ये कमांड के ऊपर डबल क्लिक करें ठीक है, उधर से सिलेक्ट करें टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप लगा हुआ है, इसे टेक्स्ट सेलेक्ट करें ठीक है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ये इधर मिरर का ऑप्शन फाइंड करें आप, ये मिरर है वर्टिकली, आपने इसको सेलेक्ट कर देना और ओके कर देना। जब ये करेंगे तो आपके पास ये ऊपर सेटिंग आ जाएगी इसकी ठीक है। एक जी बार मिरर के ऊपर एक बार आपने हॉरिजॉन्टली पहले करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये देखें अलाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरी तरफ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी उल्टा हो गया, इसको आगे क्लिक कर दें वर्टिकल को तो आपका टेक्स्ट जो है वो सीधा हो जाएगा जी सर। ठीक है सही है, कर्व का बता दें। अच्छा कर्व का बताते हैं, लेट क्यों आते हो बिलाल? यदि काम होता है ना सर, ये काम नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था 3 बजे तक आने की, ये थोड़ा लेट हो गया। सही है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर ये क्लियर है, यस सर क्लियर है। ये टैक्स को कर कैसे किया है वो थोड़ा सा बता दें बस। टैक्स को कर ऐसे किया है, उसको साइड पे कर दें, दोनों को कर लें सिलेक्ट। आप कोई भी शेप ले लें, ये शेप ली मैंने सर्कल, इसके बाद कोई और शेप लेके वो भी देखते हैं कि उधर भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक है। इधर टेक्स्ट लिखें कोई सा भी ऑफिस, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लें, ये इतना कर लिया आपने टेक्स्ट साइड की और एक सर्कल लिया ठीक है। बिलाल आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। इतना कर लिया आपने, टेक्स्ट लिया और उसको राउंड कर लिया, टेक्स्ट यस सर लिख लिया टेक्स्ट जी। आगे जाएंगे टेक्स्ट में, इसके काफ़ी सारे मेथड हैं राउंड करने के, टेक्स्ट में जाएं फिर टेक्स्ट टू पाथ इसको कर दें ठीक है। उसके बाद अपने माउस को लेके आए सर्कल के ऊपर, जहाँ पे मर्जी ले आए, ये पाथ के ऊपर आ गया अभी आपका टेक्स्ट ठीक है। तो हम देख लेते हैं जहाँ पे हमें इसकी सेटिंग करनी है, इधर रखना है इसको, एक बार क्लिक कर दें आपका टेक्स्ट खुद ही मूव हो जाएगा सर्कल के ऊपर आ जाएगा ठीक है। शेप के इर्द गिर्द लिखना जरूरी है, बगैर शेप के कर्व नहीं होता, यानी हम शेप ना लें खाली टेक्स्ट को कर्व करना हो। पहले कोई पाथ देंगे तो होगा, नहीं शेप लेनी जरूरी है, खाली राइटिंग नहीं कर्व हो सकती, राइटिंग कर्व हो सकती है लेकिन आप कोई पाथ देंगे तो वो उधर ही होगा ना। नहीं हमने बगैर शेप के कोई वर्ड को स्टाइल में करना है, राउंड करना है सीधा, सबको अलग अलग सबको अलग अलग करके फिर आपको करना पड़ेगा, वो लंबा रहता है इसलिए आप पाथ के ऊपर ही रहेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं देखो सर जी, आपके लिए मेरे पास जो पाथ आ रहा है वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हाइड है, एक्टिवेट ही नहीं है। कौन सा सर? जहाँ से आपने कर्व किया ना वो मेरे पास नहीं खुल रहा,
ये टेक्स्ट में जाके जी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ कर्व देने के लिए तो वो मेरे पास रीसेंट फाइल्स लिखा हुआ रहा है वो भी इनएक्टिव। सर जी मेरी भी कई फाइल ना लिखी हुई हैं लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं हो सकता काफी ज्यादा, तो वो कोई सेटिंग है जो एडवांस होती है मतलब वो टूल ओपन हो जाए ज्यादातर लेकिन ये इनएक्टिव है। यस सर क्लिकेबल नहीं है सर, कोई पाथ लिया हुआ आपने सर? कोई किस मैंने सर्कल किया हुआ है ना, सर्कल के ऊपर ही टेक्स्ट लेके आई हूँ लेकिन वो फिट टेक्स्ट टू उसमें आ रहा है, इसको साथ सेलेक्ट करूँ? टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पहले आप एक सर्कल ड्रा करें उसके बाद टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर ऑप्शन में जाएं, पहले कोई आप पाथ लिखेंगे तो वो ऑप्शन जो है वो आएगा। तो ठीक है सर हो गया। अब कैसे हुआ सर वो टेक्स्ट को? सर देखिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और उसको किया है ना तो फिर हो गया, पहले भी मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ था लेकिन वो जरा सर्कल से दूर था। अच्छा जी, वो इलस्ट्रेटर में भी आपने ना एक बार सेटिंग को बेसिक से एडवांस किया था तो उसमें ज्यादा शो हो गया था साइड बार में भी ऊपर नीचे नहीं ज्यादा शो होता, साइड में एक ही बार आ रही है। हाँ जी मेरा नहीं हो रहा है सर। क्या आपका क्या आ गया सर? आपने बताया था टूल में जाके कस्टमाइजेशन में जाना है, उसके बाद कमांड्स पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद सर जो आगे सिलेक्ट टेक्स्ट हमने करना है ना, तो यहाँ पर टेक्स्ट के 6 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उनमें से कौन सा वाला टेक्स्ट का सिलेक्ट करना ऑप्शन? कोई भी टूल में जाना है कस्टमाइजेशन, टेक्स्ट एक ही आ रहा होता है जो मर्जी क्लिक कर दे जी। आ रही आवाज आपकी? एक ही आ रहा है टेक्स्ट, इधर देखे इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद मेरा एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, उसको कर दें। हो गया सर जी? अगर आपने सर ये मिरर ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? मिरर ऑप्शन आपने इधर जाना है पंच में, इसके बाद ये कस्टमाइजेशन आ रही है आपके पास जी, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे आ रहा है ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन क्योंकि आपने वही सेलेक्ट किया, तो ये कमांड आ रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक करें, ऑप्शन आ जाएंगे सारे। ये कमांड की है, कमांड में जाके ये ऊपर ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ है, इधर से आप सेलेक्ट करें टेक्स्ट। सर मेरे को क्या हुआ है सर? मेरे जो टूल है ना टूल पे मैंने सेलेक्ट किया लेकिन वहाँ कस्टमाइजेशन की तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट है, कलर मैनेजमेंट है, स्क्रिप्ट्स है, बॉर्डर एंड सर जी कईयों की सेटिंग जो सारे ऑप्शन ना फीके पीके हैं, तो मैं यही कह रहा था कोई सेटिंग है जो एडवांस हो कर ले मतलब ये सारी चीजें शो हो जाएं, जैसे आपने कराया था विंडो से जाए ना, पहले तो हमने यही सेटिंग की हुई है, ये विंडो में जाकर देखें वर्क स्पेस की हमने की हुई है ये वाली डिफॉल्ट, एडवांस नहीं करने कोई सेटिंग नहीं, अभी आप डिफॉल्ट पे रखे ना इसे, जो भी हम ऐड करते जाएंगे वो शो होती जाएंगी, डिफॉल्ट के ऊपर आप एक बार सेलेक्ट करें। इसी तरह ये डॉकर की हैं, ये देख ले कौन सी आ रही हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट मैनेजर है, हिंट्स है, जॉइन कर्व्स हैं, ये तीन चार सेलेक्ट हैं बस, गाइडलाइन सेलेक्ट है। ये तो विंडोज है ना डिफरेंट सर, अभी कस्टमाइजेशन
ऊपर जो था ना ऑप्शन उसमें उसके अंदर कस्टमाइजेशन आया है. अब उसमें चार ऑप्शन है, अपीयरेंस है, कमांड बार्स है और कमांड कलर प्लेट है. हाँ जी, कमांड कमांड आपने डबल क्लिक कर दी. अब इसमें कमांड को डबल क्लिक करें. कर दिया सर. हाँ जी, उसके बाद सिलेक्ट करें टेक्स्ट. टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है. टेक्स्ट सिलेक्ट है तो उसमें से मिरर की ऑप्शन फाइंड करें. मिरर की जो वर्टिकल वाली है ना वो आप सिलेक्ट कर लें. मिरर टेक्स्ट वर्टिकली. हो गया. तो वर्टिकल क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी ऑप्शन होती आ जाएगी. हाँ जी, वो भी सब. हो गया ये सबका. आप इस बिलाल हो गया, आपका ये समझ आ गई. यस सर. यस सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये टैक्स सर मेरा भी नहीं हुआ. गैर शेप के टैक्स कर्व कैसे करते हैं? अच्छा, आपका मरियम अरफान आपको क्या नहीं मिला सर? मेरा 2017 का वर्जन है तो उसमें ऑप्शन दूसरे तरह से आ रही है, इसमें मेरे का ऑप्शन नहीं आ रहा. मेरा नहीं नजर आया. नहीं सर. क्या लिखा हुआ आपको जब दिखाएंगे? मेरा 2018 है, उसके मिरर नहीं है. सर जिनका 2020 है मैं हेल्प कर दूं? जी सर, जिनका 2020 है मैं बता देती हूँ. मैंने बताएं टूल्स को सेट करेंगे, देन ऑप्शंस, देन कस्टमाइजेशन, देन कस्टमाइजेशन और फिर कमांड्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप सर्च में लिख लें टेक्स्ट मिरर टेक्स्ट इन वर्टिकल तो वो आपको खुद बखुद सर्च कर देगा. सिर्फ ऑप्शन का डिफरेंस है. मेरा फिटेड टेक्स्ट वर्टिकली आ गया है. 2020 का जो है ना, जी 2020 का थोड़ा एडवांस है वो, इधर सर्च का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा. अच्छा, मिरर भी तीन चार किस्म के हैं. मिरर फिटेड टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, फिर मिरर हॉरिजॉन्टली है. वर्टिकली कर लो सर. मेरे पास के ये मेरा सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा. मिरर साइज है, कौन सा वर्टिकली करना है? वर्टिकली करना है आपने ये वाला सिंपल जो अटैच का वो करना. उससे सीधा हो जाता है फिर. मेरा फिटेड में या मेरा टाइल्स में? मेरा फिटेड. मिरर फिटेड टेक्स्ट वर्टिकली. ओके, तो ये जो मिरर फिटेड टेक्स्ट वर्टिकली आ रहा है इसको हमने अपनी कमांड बार पे कैसे लेके आएंगे? सर आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है, मेरे पास तो इतनी सारी नहीं आ रही. चले अभी तो हमने एक ही यूज करनी है, वो जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लें. सर मिरर वाली भी नहीं आ रही ना यहाँ पे. आपका कौन सा है? 18 है सर. यहाँ सर्च बार भी नहीं आ रही और मिरर वाली ऑप्शन भी नहीं आ रही. थैंक यू. मैं कहने वाला था सर में बहुत पेन हो रही, मुझे चाय नहीं आई. अच्छा जी, मिस आप करें उधर ऑप्शन में जाएं. ये आपके पास कस्टमाइजेशन नहीं आ रहा टूल्स में? सर आ रहा है, कस्टमाइजेशन भी आ रहा है जी. फिर और मैं जब कमांड में जाती हूँ ना तो वहाँ पे नहीं आता. आप कमांड बार को कर रही होंगी ना, सिंपल कमांड को करना है. सिंपल ऐसे लगा ना कमांड्स, उसको क्लिक करें. सिंपल कमांड्स को ही कर रही हूँ, कमांड्स में ही जाके. तो वहाँ पे जब कमांड्स ओपन होती हैं तो फाइल, इंपोर्ट, मेल, मर्ज टू डॉक्यूमेंट्स, फिर आगे न्यू फ्रॉम डॉक्यूमेंट आ जाता है. वो मेरे पास मिरर वाला आ ही नहीं रहा. अगर कोई सर्च का ऑप्शन है तो वहाँ पे लिखे ना, वहाँ पे आ जाएगा. आप ऊपर सर्च
की ऑप्शन नहीं है। आप ऊपर से टेक्स्ट सेलेक्ट करें पहले, फिर आएगा। हाँ, पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा था उसको सेलेक्ट किया हुआ है। उसको नहीं मिस, उसको नहीं, टेक्स्ट इधर जो ड्रॉप बॉक्स आपके पास आ रहा है, आपने कमांड्स में गई है, उसके बाद आपके पास ड्रॉप बॉक्स आ रहा है ऊपर, वो देखें सबसे ऊपर, उधर से सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। ये कमांड्स लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ये बड़ा सर आप स्क्रीन शेयर है तो आप देख सकते हैं, इधर से कमांड्स में जाना है, इधर से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो तब ये टेक्स्ट के जो है प्रॉपर्टी शो होंगी इधर, उसके ऑप्शन सब खुलेंगे। आपने कोई और सेलेक्ट किया हुआ इसलिए नहीं आ रहा आपके पास। जी जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। जी सर बोले। मैंने कहा लेट आए आप। जी मैंने पहले इंटर हुआ था क्लास में, कोई 15 मिनट चली थी क्लास, उसके बाद वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, नेट नहीं सही चल रहा, तो तब का मैं कर रहा हूँ कनेक्ट अब हुआ आगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया सबका, ताहिरा हो गया आपका? यस सर हो गया। ठीक है सर, और ये मेरा ना जैसे मैं ड्रैग करती हूँ ना सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और वी करके, वो जैसा है ना एज इट इज पाथ के अराउंड नहीं आ रहा, जैसा मैं लेके जाती हूँ ना दूसरी तरफ उसी तरह का ही आ रहा, पाथ के अराउंड नहीं रह रहा, ग्रिड आ रहा है उस पे लिखा हुआ। ग्रिड आ गया, आप सही नहीं ना कर रहे इसलिए आ रहे हैं। दोबारा ट्राई करें, सही नहीं आप लिख रहे हैं ना इसलिए आ रहा है वो। सर मैंने ये कर भी रही हूँ लेकिन ना वो सारी ऑप्शन जैसे आपने बताई वैसे कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तक वो हुआ नहीं सही। क्या नहीं हुआ? अभी उल्टे का उल्टा ही है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, वर्टिकली वो नहीं हो रहा। मुबीन नैयर आपका क्वेश्चन है ये, आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें, जो एक लिखा हुआ ना उसी को ले आए नीचे, ये जो आप एक लिखा है ना इसको ले आए नीचे, आप अभी कॉपी पेस्ट पे ना जाए। ओके सर। सर मेरा नहीं हुआ आपका जो टेस्ट बाद से आपने किया है। अच्छा, तो पास से किया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रही। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया, वो देख मैं वो पास सेलेक्ट ही नहीं होता, जब मैं वो फिट इन टू पास पे सेलेक्ट करके आती हूं तो वापस सर्कल पे सेलेक्ट नहीं होता, वो कहते हैं आपने कोई पास सेलेक्ट नहीं किया। टेक्स्ट किधर लिखा हुआ आपका? वो इतनी दूर आपने लिखा है, उधर थोड़ी आएगा पास। नो सर, इतनी दूर तो नहीं लिखा था, वो तो बाद में उसको ऊपर किया कि वो शो हो रहा था ना, उसको करें ना इसके सर्कल के ऊपर करें फिर सेलेक्ट करें। उसको पास लेके हैं थोड़ा सा सर्कल के, फिर ही होगा, वो काफी दूर पड़ा हुआ है। तो ये आर्ट बोर्ड के बाहर जो लिखे हैं उसका नहीं फिर ऑप्शन शो होती? वो इसकी भी थोड़ी सी लिमिट है, इससे ना ज्यादा दूर जाए तो नहीं करेगा वो। सर फिर भी नहीं हो रहा, भी नहीं हो रहा। वो ऑप्शन आ रही है आपके पास ये वाली, फिट टेक्स्ट करना राउंड पाथ, ऑप्शन आ रही है ये? यस सर ऑप्शन तो आ रही है, बट वो जब मैं उसको सेलेक्ट करके वापस सर्कल को सेलेक्ट करती हूँ नहीं आती है, सर्कल के पास पे सेलेक्ट करते तो यही मैसेज आता है। कैसे जाता है ये वाला? ऑब्जेक्ट जो सेलेक्टेड इज इनवैलिड। सर्कल के एज पे जाना है, सर्कल को सेलेक्ट नहीं करना। तो आप दोनों को सेलेक्ट कर रही हैं एक साथ? नो सर, जस्ट सर्कल के पास पे आगे क्लिक करती हूं तो वो वहां पे पाथ ही शो नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड इनवैलिड। अजी ये बताएं कि ये इस में कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा में इतनी ज्यादा ऑप्शन हाइड क्यों है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, ये कहते हैं कि जो जो आपको चाहिए वो बस सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए नहीं रखी हुई सारी।
चलें प्रियनाज आपका देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा तो ये क्यों नहीं हो रहा, आप सिंपल कर लें अभी इसको। सर सिंपल तो हो गया। हाँ सिंपल हो गया आपका। यस सर। इसको भी देख लेते हैं ये क्यों नहीं हो रहा। वो क्लिप भी हो गया है, मिरर भी कर लिया, वो तो साइट पहले से ऑप्शन मौजूद है, मुझे कस्टमाइज करना पड़ा। ठीक है बिलाल आपका हो गया क्लियर। हाफिज बिलाल यस सर, मेरा ये राउंड का पास वाला मेरा हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि बगैर शेप के हम टेक्स्ट को कैसे कर्व कर सकते हैं वो बता दें, क्योंकि ज्यादातर हमें शेप नहीं चाहिए होती, खाली टेक्स्ट को स्टाइल बनाना पड़ता है, उसमें हम कैसे करेंगे? वो भी कर लेंगे यार, आया कभी ऐसा ऑप्शन देखा? सर जी टेक्स्ट के स्टाइल ही होते डिफरेंट है, तो कैसे हम उसको स्टाइल ऊपर नीचे डिंगा बिंगा करेंगे? एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, पाथ लेके उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के फिर जो राउंड सर्कल लिया है ना उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है सर। हाँ वो सर्कल को डिलीट कर दें फिर वो राउंड सर्कल में ना टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। हाँ जी वो सर्कल को डिलीट कर दें टेक्स्ट उधर ही रहेगा। दूसरा आपके पास होता है ऑप्शन, आपने खुद से कोई पाथ देना है, खुद से कोई पाथ देना है इधर, जिस तरह कोई आप लाइन ड्रा कर ले फ्री हैंड टूल से कोई चीज ड्रा कर लें। सही कोई वो शेप लेके टेक्स्ट को लेके उस पे लिख के उसको फिर डेल कर दो, फिर वो आपकी उसी शेप में आ जाएगी। ये मैं एक और शेप लेने लगा सर्कल के अलावा, या कोई जो हमारे पास बनी बनाई शेप से उनके अलावा हमने खुद से भी ड्रा की हुई है। सही आप पेन टूल ले रहे हैं? ये फ्री हैंड टूल लिया मैंने, फ्री हैंड टूल, ये ज्यादा स्मूथ नहीं थी, इसको डिलीट किया, नया लेते हैं। कोई मैं सपोज करें इस तरह की कोई चीज ले लेता हूँ, ठीक है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, वही कोई टेक्स्ट लिख लें आप अपना। इधर जाता हूँ सर, ये फ्री हैंड टूल कहाँ से लिया आपने? ये नीचे आपके पास सेट जो है ना आपका ज़ूम बना हुआ, ज़ूम के नीचे। जी जी 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पर। जी सर ठीक हो गया। ये लिया, इसको करना है बिल्कुल उसी तरह, ये आप ले आए उधर टैक्स में जाएं, ठीक है इसको ऊपर लेके आए, ये आपके पास आ गया, ठीक है बिल्कुल इसने प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा सा साइड वगैरह वही वाला बटन दबाना ना। हाँ जी वही वाला दबाना, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें कोई इशू नहीं है, साइज बड़ा कर लें कोई इशू नहीं, ठीक है ये करके देखते हैं सब लोग। ये हमने शेप होगी इस तरह की शेप होगी वैसे टैक्स हो जाएगा। हाँ जी वैसे ही हो जाएगा, जो भी आप दे देंगे। आप अभी आपका क्वेश्चन था कि हमने खुद से कोई करनी है तो आप ड्रा कर लें, ये बेस्ट वे होता है, ये क्विक वे भी है, आप उधर ड्रा करें जो पाथ बन रहा है उधर एक लाइन लगा लें आप, उसी को पाथ कंसिडर करें और उधर अपना टैक्स प्लेस कर दें। तो जो आपने फ्री हैंड ली है सर जी, तो आप वहाँ से कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। फ्री हैंड टूल से कोई भी शेप बना सकते हैं? हाँ जी कोई भी शेप बना सकते हैं। तो जी एक और कोई शेप बना दें। अच्छा ये माइक म्यूट करें जिनके पीछे से आवाज आ रही है, तो कोई और टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। ये हो गया क्लियर आपका? जी सर ये क्लियर है। एक और ट्राई करा दें, एक और कर लेते हैं। अगर म्यूट हो गया किसी का तो ड्राइवर ड्राइवर
अगर बच्चे पास हैं माइक में और देखना। ओके सर। हाफिज बिलाल आते हैं बच्चे? यस सर। आवाज आ रही ना पीछे से? कर दिया बंद। बच्चों को नहीं चुप करवाना, माइक म्यूट कर दें बस। हो गया फ्री हैंड टूल पे, वो मैंने लाइन ड्रॉ करके उस पे किया तो वो उस पे हो गया, सर्कल पे नहीं होता। जी सर ये मेरा भी हुआ। सर जी ये दोबारा बताइएगा, ये लेयर के ऊपर जो लिखा। सर जी फ्री हैंड टूल से लाइन टेढ़ी नहीं हो सकती, जैसे हम शेप बनाना चाहे शायद वैसे ना बने। सर कोई टेढ़ी मेढ़ी कर लें, ये लें इधर को कर लें इधर को कर लें, आप जैसी मर्जी लगा लें लाइन, इसके ऊपर लेके आएंगे कुछ भी तो वो भी हो जाएगा। आप टेक्स्ट लिखें टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है? फ्री हैंड मैं कह रहा हूँ जैसे हम शेप बनाना चाहें, क्या पता वैसे ना बने फ्री हैंड से, उसका कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत अगर सही की ना बनी, आपने टेक्स्ट भी उसके मूव करवाना है तो बाद में डिलीट कर सकते हैं। ये लिखा ये शेप बनाई है टेढ़ी मेढ़ी, आप इस बिलाल जो आपने कही है इसको फिट कर दें इधर ले जाए तो टेढ़ी मेढ़ी के ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है? सही है ये, क्लियर है सबको? जी सर। करें अभी इसकी प्रैक्टिस करके देखें, अगर बल्कि इसकी एक्सरसाइज आपको देनी है। जी सर ये मेरा वही सेम इशू आ रहा है जो पहले एक लड़की बता रही थी कि वो कह रही थी कि ऑब्जेक्ट इज नॉट जो आपने सेलेक्ट किया वो वैलिड नहीं है। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। दिखा दें ये एक मिनट तक लिए नहीं शेयर आपकी अभी हुई है। टेक्स्ट तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर फिक्स करने के लिए किया अब। जी सर तो वो आ तो रहा है, लेके आए उसको यस करें अगर ऐसे यस कर दिया तो अगेन सर यही इशू आ रहा है, ये उठा के खत्म हो जाएगा। ये नीचे ले तो करो लाइन के ऊपर लेके आए ना इसको यस करने के बाद। सर अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अभी आ जाना था ना, अभी मैंने देख लिया। हां जी देखे ना जब इसने टूल के अंदर ऑप्शन क्लिक टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन जब इसने उसने क्लिक किया ना इसकी सारी ऑप्शन हाइड नहीं आ रही, ये सारी ऑप्शन सही आ रही है। हमारा भी प्रेनाज देख लें आप भी ये कैसे हुआ, आपका भी सेम इसी था। मैं कह रहा हूँ इसकी सारी ऑप्शन सही आ रही है, हमारी हाइड आ रही है। कौन सी ऑप्शन? कौन सी ऑप्शन? सर सर फॉरेन ड्रॉ में कॉपी करने का क्या तरीका है? बहुत सारे तरीके हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आप सिंपल कर लें, कंट्रोल सी वी कर लें कॉपी। सर ये सी वी से नहीं हो रहा सर, मेरा तो नहीं हुआ, कोई और तरीका बताएं? जी सर कोई और बताएं, वो करके देखूं? आप इससे करें लेफ्ट राइट से आप ड्रैग करें और लेफ्ट पे लाके छोड़ें कॉपी हो जाएगा। ओके सर। सर ये स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए प्लीज कैसे ये होता है जो आप बता रहे हैं। सर ये तो पूरा का पूरा मूवी हो गया। क्या आवाज कटी है बताइएगा दोबारा। अच्छा दोबारा बता दीजिए। चलिए दानियाल आप कर दें स्क्रीन। कर दी है सर कर दी। ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काइंडली म्यूट कर लें आवाज, पता नहीं किसका है। अच्छा कॉपी पेस्ट कैसे करना? सिंपल आप लें कोई भी चीज इसको कॉपी करना है आपने। ठीक है इसको आप लेके आए राइट क्लिक से उधर ला के छोड़े तो आपको ऑप्शन दे रहा मूव करना या कॉपी करना। सर यहाँ से सर ये तो हो जाता है सर, टेक्स्ट को करके दिखाएं सर, ये नहीं हो रहा था टेक्स्ट वाला। कौन सा नहीं हो रहा सर? ये जो राउंड ने फिट पास किया ना, फिट टू पास किया ये राउंड टेक्स्ट सर, राउंड में आप सीवी से कर लें आप कंट्रोल कॉपी पेस्ट सिंपल जो है उससे कर लें। ओके सर।
जी सर। तो जिसे आप ड्रैग करेंगे ना तो वो आगे पीछे हो जाएगा जी, वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा, इसलिए आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर लें। सर ये सर्कल पे फिर भी नहीं लिखा जा रहा। एक्सक्यूज मी सर, बताइए कैसे हो रहा है। हाँ जी सलमान, इवन आज आपका देखते हैं आप बाद में। जी मुझे ये टैक्स को अगर छोटा बड़ा करना हो तो वो कैसे करेंगे? टैक्स को छोटा बड़ा करना हो तो इसको ड्रैग कर लें, ये इधर साथ आ भी रहा है, इसका साइज इधर से कर लें आप, ये बड़ा हो गया, इधर से आप पिक्सल काम कर लें। ठीक है सर। तो सर कॉपी करना है कंट्रोल सी वी से करें, सिंपल कॉपी। और सर इसको एक्सपेंड तो नहीं करना पड़ता जैसे इलस्ट्रेटर में करते थे? एक्सपेंड नहीं, अभी एक्सपेंड की तरफ जाते हैं वो देखते हैं, अभी फिलहाल यही करें हम। ओके सर, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर। ये रुखमान ये कॉपी हो गया सर, आपको सर इसको पास के रोल मूव कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा नहीं सर, एक मिनट ही कर सकते हैं। सलमान कर सकते हैं सर, करके दिखा देना कैसे करते हैं पास के राउंड मूव, ये खुद सर्कल के राउंड सर मूव कर दें। ये अभी हुआ पड़ा है। यस सर, सर्कल के राउंड मूव कर दें। सर मेरा तो कॉपी नहीं हो रहा सर, वो पूरा टैक्सी उठ के आ जाता है। पूरा ही आ जाता है जी सर, पूरा ही आ रहा है। कंट्रोल सी वी से नहीं हो रहा? नो सर। ये हो रहा है, ये देखिए ना, इसको ड्रैग करें आप लेफ्ट अपने माउस के राइट क्लिक से इसको ड्रैग कर लें, या फिर लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से। अच्छा लेफ्ट से तो वो बाहर जाएगा, इसको राइट से करें। राइट से जब ये आता है नीचे, अगर ये इसको एक जैसे टेक्स्ट को पकड़ के दोबारा ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे ना, उनको भी नीचे नजर आ जाएगा कि नीचे पेस्ट हुआ है। पहले ऐसा ही लगता है कि वो ड्रैग होके सिर्फ सिंगल नीचे आता है। मैंने ड्रैग किया है लेकिन वो वहां पे कुछ होता नहीं है, वही नीचे आ जाता है। मैं गेन कर दी, राइट क्लिक से आप ड्रैग करें, साथ ही ऑप्शन तो आ रहा होता है आपको कॉपी करना है या नहीं करना। ठीक है, आपने तब सेलेक्ट करनी है ऑप्शन कॉपी की। सर पाथ के राउंड मूव करवा दें बस एक दफा। और सर ये अभी तो आप कोई सा भी पाथ ले लें, हमने एक फ्री हैंड से लिया था, फ्री हैंड टूल से ये बनाई थी चीज, ऐसे ही कोई। यस सर, फ्री हैंड टूल है, मतलब इसमें जो भी आप ठीक है, आप इधर लिखिए। सलमान फरूक, सलमान फरूक ही है ना? जी सर, सलमान फरूक। ये टैक्स लिखा है, इसकी आप सिंपल भी कर सकते हैं, दो तीन मेथड हैं इसके। टैक्स में जाएं और फिर टैक्स को पास कर दें। ठीक है, ये अभी लेके आएंगे आप पास के ऊपर तो ये आपको दे देगा कॉपी पेस्ट करने का, इधर जिधर पे आपको गाइड शो कर रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो टैक्स इधर ही आ जाएगा आपकी लाइन के ऊपर। yes, इसको पकड़ें, आगे पीछे करें, जैसे भी करना है आप ये मूव करके देखें, नीचे लेके आना लाइन के नीचे ले आए। ठीक है, ये खुद ही रहेगा अपने पास के ऊपर ही है। ठीक है सर, आई थिंक सही हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर का मसला है, मैं जब कॉपी पेस्ट करती हूँ ना तो वो आगे आ जाता है ऑप्शन के इसको ना परचेज करें सॉफ्टवेयर को। आपने कोई और किया हुआ? जी सर, वो मेरा पहले ही था लैपटॉप में तो वही यूज कर रही थी। शायद उसका इशू होगा, लिमिटेशंस होती हैं अगर आपने जी सर उनका किया हो ना, सारे ऑप्शन नहीं ओपन होते। जी जी सर, मैं फिर कल तक ना दोबारा वो करूंगी जो आपने लिंक सेंड किया था ना वो वाला करूंगी। अपडेटिंग करने सलमान को हो गया क्लियर? जी सर मेरा क्लियर है। अच्छा तो और हम आगे चलते हैं, आगे हमारा जो है वो कॉपी का एक बार इंस्टॉल।
अच्छा आगे है कि हमने टेक्स्ट को ऑफलाइन कैसे लगानी है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ऑफलाइन इसको कैसे लगानी है, वो भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एक ऑफलाइन पे रहेंगे वो देखते हैं कैसे लगानी है। मैं और विंडो ओपन कर लेता हूँ या चलिए इसको ख़त्म कर देता हूँ। ऑफलाइन फोन चेंज करने लगा तो फॉन्ट बड़े कम है, पहले हम कैलिब्री ले लेते हैं। अच्छा इसको हमने सर जी फॉन्ट नेट से भी डाउनलोड हो जाता है फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल। हाँ जी सर बिल्कुल हो जाते हैं, क्यों नहीं होते, वो बताया भी था मैंने लास्ट में, कोई सा डाउनलोड आपने करना हो इंस्टॉल करें डाउनलोड करके वो आपके फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है इसको ऑफलाइन लगाने लगे हैं टेक्स्ट को। ये होता था, अच्छा ये आउटलाइन पेन होता है इसका ना, आउटलाइन पेन अगर आप प्रेस करें अपने लैपटॉप से F12 तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, जो तो दूसरी सेटिंग है वो इधर से सर्च करनी पड़ेगी विंडो से जा किधर पड़ी हुई है, तो आप F12 प्रेस करें इसकी आउटलाइन पेन की सेटिंग आ जाएंगी आपके पास। ठीक है आपने इसकी विड्थ बता रहा है कितनी रखनी है, मैं 5 रख लेता हूँ विड्थ, तो साथ में कलर भी पूछ रहा है ब्लैक है तो अभी हम इसका कोई और कर लेते हैं रेडिश पिंक कर लेते हैं पिंक कलर, जिसको ओके करते हैं ये आउटलाइन आ गई है। ठीक है टेक्स्ट आउटलाइन बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट आउटलाइन जो होती है हमारे पास इस तरह। ठीक है तो अभी एक और आउटलाइन अगर इसी को लगानी है फिर F12 प्रेस करें, इसको कर लें कम कर लें थोड़ा सा कलर चेंज कर लें इसका, ओके करें तो ये कम था बिल्कुल इसका टेक्स्ट, इसलिए ये टेक्स्ट मिट गया सर जी आउटलाइन वो कम हुआ ना उधर से तो उसका कम लगा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। ये ज़्यादा करके देख लेते हैं ठीक है, ये इसकी आउटलाइन इस तरह लगनी है। सर F12 करके मुझसे नहीं खुल रहा, किस तरह दोबारा बता दें। ये देखो सर टेक्स्ट को क्लिक करके फिर F12 आना है। हाँ जी हाँ जी टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट की आउटलाइन हम देख रहे हैं कि अगर इसका बॉर्डर सा लगा होता है आउटलाइन लगी होती है वो हमने टेक्स्ट को कैसे लगानी है। सर आप ऑप्शन से ही बता दे विंडो की, ये आपका ओपन हो गया F12 प्रेस करें आ जाएगी आपके पास आउटलाइन पेन। आपका कंट्रोल के साथ होगा या आर्ट के साथ होगा, अगर उधर से ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है सिंपल प्रेस करना है F12 और साथ कंट्रोल नहीं प्रेस करना, कंट्रोल करेंगे तो फिर वो ऑप्शन दूसरी आ जाती है। सर ऑल्ट के साथ भी नहीं हो रहा, शिफ्ट के साथ भी नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो रहा सर। किसका नहीं हो रहा, किस चीज का नहीं हो रहा, सबका ही हो रहा है। मेरा तो हो गया।
सर मेरा भी हो गया। हाँ जी, वो सेटिंग ओपन हो जाएंगे उधर से कर लें। आप इसको लगा के देखें, वेट से इसकी चेंज करके देखें हो रही या नहीं हो रही। सर आप विंडो में से बता दें। विंडो का अभी इधर से देख लें किधर पड़ा हुआ है मुझे, अभी अगर मिल गया तो विंडो टूल्स में होगा। सर वो राइट बॉटम पे भी जो आ रहा है वो भी स्टॉक्स ही हैं, वहाँ से भी चेंज हो जाता है। तो ये वाली क्या? नहीं सर ये वाली। हाँ जी यहाँ से ये ये भी सेम है, F12 प्रेस करने से भी हो जाता है। और ये सेम ही है जी सर, सेम जिनका नहीं आ रहा वो यहाँ से करें। स्टॉक ये मोबाइल नजर आ गई है इधर से करने, नीचे पेन पड़ा हुआ है, ये पेन का ही ऑप्शन है, ऑफलाइन पेन का इधर से कर लेना। जो विंडो से नहीं मिल रहा तो इधर कर लें, पड़ा हुआ इधर। यस सर है कॉर्नर में। अगर सर हमने दो आउटलाइन देनी हो तो फिर वो कैसे करते हैं? जब एक आउटलाइन देते हैं तो दूसरी लगाने की कोशिश करते हैं, वो चेंज हो जाती है, वही चेंज हो जाती है, नेक्स्ट न्यू नहीं आती, न्यू नहीं आती। मतलब सर फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट को तीन कलर देने हैं तो वो स्ट्रोक्स ही दूंगा ना, तो मैं एक स्ट्रोक्स देता हूँ अगेन देता हूँ तो वो पहले वाला स्ट्रोक चेंज हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन वो न्यू नहीं आता। मतलब कॉपी पेस्ट ही करें, एक जो है आपने लगाया हुआ है उसका कॉपी करें जरा। सर एक दफा आप कर देंगे प्लीज? अच्छा ये लगा हुआ है, कॉपी पेस्ट इसको कर लेते हैं। ये एक ही है अभी, कंट्रोल सी वी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल प्रेस किया, और अगर इसका थोड़ा सा ज्यादा करके देख लेते हैं 10। सर ये आपकी कलर फिल आ रहा है ना, मेरे कलर पे क्रॉस आ रहा है। अच्छा। सब के ऊपर कलर पे क्रॉस आ रहा है जी उस पॉइंट पे। चलो कोई नहीं, होगी देख लेते हैं वो कैसे करना है। ऐसा नहीं हुआ, दानियाल क्या इसी की तीन लाइनें लगानी है, तीन कलर्स वाली? सर इसी टेक्स्ट के ऊपर मैंने तीन कलर्स, मतलब टी को तीन कलर्स का करना है। टी को तीन कलर का करके देख लेते हैं अगर उसने करने दिया। सजी वो ग्रेडियंट की बात कर रहा है? नहीं मैं ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि एक स्ट्रोक लगा के फिर अगेन नया स्ट्रोक उसके ऊपर लगाना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें प्लीज, कलर के ऊपर मेरा क्रॉस आ रहा है। क्रॉस आ रहा है? यस सर। तीन कलर आए सर, अभी तो ये इसकी आउटलाइन आ गई ना, इसके मजीद एक और स्ट्रोक लगा सकते हैं इसके ऊपर, मतलब इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, ये इसी के ऊपर ही लगाया है लेकिन नीचे छुप गया है ये। इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करके देखें तो आ जाएगा।
सर आपने कैसे वो कंट्रोल वी वाला कैसे किया था जिससे वो उससे थोड़ा सा चेंज हुआ था, मैंने पहले देखा है वो आप करें ना इसको एक बार कॉपी करें, इसको एक दफा पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी किया, फिर इसके बाद इसका लगाएं दूसरा वाला स्टॉप करें हो जाएगा। सर ये F12 से जो आपने किया सर काइंडली दोबारा बता दें, मेरा नहीं हो रहा। अच्छा जी दोबारा बता रहे हैं, ये F12 ओपन किया, ये ऑप्शन नीचे भी आ रहा है पेन का, इधर से भी आप कर सकते हैं। सर आप काइंडली F12 से बता दें, मेरा ओपन हो रहा है लेकिन मुझे आगे मतलब लाइन नहीं आ रही। सर मैं जब करती तो वो सारा टेक्स्ट को एक ही कलर दे देता, उसकी आउटलाइन ही बना रहा। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। दानियाल इस तरह कह रहे हैं आपके तीसरा कलर भी ऐड करना। जी सर यही ये आप कैसे किया आपने? जितनी मर्जी लेयर्स लगाते जाएं, आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी करते जाएं और उसकी जो है आउटलाइन चेंज करते जाएं, कलर जो है हर बार कॉपी करें तो उसका स्ट्रोक दूसरों से ज्यादा रखें आप। सर सर ये टेक्स्ट लिया, इसको कॉपी किया, फिर इसका सर कलर चेंज किया, फिर पेस्ट करना है? नहीं पहले आप कॉपी पेस्ट कर लें, उसके बाद आप इसका चेंज कर दें आउटलाइन जो है। दानियाल आप उसको एक बार कॉपी करें, कॉपी पेस्ट करें, उसके बाद जो नई ले ली है उसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ाएं दूसरा। ठीक है सर, ठीक है ट्राई। सर अब काइंडली हमारी प्रॉब्लम पे सॉल्व कर दें। हाँ जी हाँ जी बताएं आप, अभी बताएं आप। सर स्ट्रोक नहीं लग रहा, हम पूरा टेक्स्ट ही वो कलर हो गया, पूरा टेक्स्ट ही कलर हो गया जी। कहाँ से आपको ले? सर अब ट्रेल से ओपन किया। सर ये बिहाइंड फिल को क्लिक करने से हो जाता है, पहले मेरा ये क्लिक नहीं था, बिहाइंड फिल क्लिक किया ना तो वो हो जाता है। हाँ जी हो जाता है, आप उसको जो नई लेयर ली है उसका कलर चेंज कर उसको लास्ट में फेंक दें सबसे नीचे। ठीक है वो कैसे फेंकना ऑर्डर उसका कैसे चेंज करना है बताता हूँ आपको अभी। अच्छा आपका कलर नहीं हो रहा, ये देखिए आप सिंपल लेफ्ट कलर प्रेस किया, ये ऑप्शन आ गई आपके पास आउटलाइन पे सन्ना मुश्ताक। जी सर ये आ जाती हैं, ये आ जाती है इधर से। आप इसका आपने सेलेक्ट भी करना है, आपने इसकी किसको कितना करना है। ठीक है तो 16 करता हूँ, इसका कलर भी चेंज करना है, वो पहले वाला कलर जो वही आएगा जो लगा हुआ बाय डिफॉल्ट, इसको मैं इसका कोई कर देता हूँ कलर और इसको करता हूँ ओके। ठीक है ये लग गया हुआ है, ठीक है हो गया। आप टेक्स्ट का कलर, आप टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज कर रहे इसलिए नहीं आपको फील हो रहा कि हो गया या नहीं होगा। सर कलर चेंज किया वो पूरे का पूरा टेक्स्ट का कलर ही चेंज हो गया, उसने आउटलाइन नहीं दी सिर्फ। हाँ जी वो आपने स्ट्रोक को पिक्सल ले लिया होगा, ऐसा लगा कि सारा का सारा सर्कल का आगे इससे हो गया। सर मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें। हाँ जी आप बताएं। सर मेरे को जो कलर आ रहे हैं ना ऊपर F12 के बाद ऑप्शन आती है, सबसे ऊपर कलर आ रहा है, कलर को मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे? यस सर देख लेते हैं आपका क्यों क्रॉस लगा हुआ है। ये आप नीचे जाएं इधर, आप चलें आप प्रेस कर ले, ये वाला क्रॉस लगा हुआ है। ये कलर है ना ये देखें नीचे आ रहा है नजर आपको पेन ये राइट साइड विंडो के लास्ट पे राइट साइड पे बॉटम पे ये पेन यहाँ से स्ट्रोक इसके ऊपर डबल क्लिक करें, नाम नहीं लिखा हो ठीक है आप देखेंगे कि तो कलर ओपन हो जाएगा आपके पास। पहले आपने लगाना है, पहले आपने वैल्यू को सिलेक्ट करनी है, विड्थ इसकी कितनी रखनी है मतलब थिक थिन इसको कितना करना है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद कलर पे जाएं तब होगा। ओके हो गया तो देख रही सर मेरे 2 वाले तो हो गए हैं, लेकिन सर अब 3 वाला कलर कैसे करने हैं? 3 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, सी वाला भी ऐसे ही है, उसका स्ट्रोक सबसे ज्यादा रखें बाकी ये दोनों से, बाकी दोनों से तो उसको लास्ट पे फेंक लें। करना
नहीं हुआ मेरा, अभी तक क्रॉस ही है। फिर अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। मेरे पास ऑप्शन कैसे करनी स्क्रीन शेयर? ये जो आपका कलर है इसके साथ एरो हुआ है, वो एरो के पे क्लिक करके ना अपना कलर सिलेक्ट कर ले पहले। स्क्रीन शेयर क्या होता है? ये इधर आ रहा है ना सोफे, ये जो आप टीम के ऊपर सबसे ऊपर है, ये लीव लीव के साथ ही स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, करें उधर से। थैंक यू। तो स्टॉक के ऊपर दोबारा स्टॉक के ऑप्शन लगाएंगे तो उसके ऊपर ही कलर हो जाएगा। हाँ जी, वो तो उसके ऊपर ही होगा, कपेस करेंगे तो नई लेयर बनेगी। तो लेयर आगे पीछे नहीं कर सकते, जो हमने पहले बनाई है बाद में बनाई है? कर लें उसको, कर सकते हैं ना, वो आप ऑर्डर की बात कर लें। यस, ऑर्डर ऊपर नीचे करना है कि कौन सा कलर हमने लगा दिया, अब कौन सा ऊपर करना है कौन सा नीचे, वो कर सकते हैं। वो आपको बताता हूँ कि मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के पीछे कैसे फेंकना है, ये ऊपर लेके आना, वो भी बताता। बताया था कैसे सर, ये नई लेयर जो लगाते हैं सर, ये एक दफा लगा के दिखा दें कैसे करना है। ये कलर जो लगाया था जी सर, ये डबल जो लगाया ना वो बता दें थोड़ा दोबारा। अरे ये टेक्स्ट लिया था, ये सिंपल, इसको तो हम पर ही कर देते हैं। साजी सारे ही बता दें दोबारा। ये एक टेक्स्ट लिया था सिंपल, और इधर गए थे इसके ऑप्शन में, यहाँ से चले जाएं आपके वाल प्रेस कर लें, और इधर से भी कहीं इसकी सेटिंग होती है टूल से, तो देख लेना बाद में खुद ही कहाँ पे ऑप्शन है। ये नीचे से चले जाएं, पेन के ऊपर दो बार क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इधर से इसका ले लें फिर जितनी भी लेनी है आपने, 8 ले लें, इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, मैं इसका कोई येलो कलर कर देता हूँ, ये वाला येलो। ठीक है, इसको ओके करें, तो ये कलर लग गया एक आपका जी सर। इसको एक थर्ड तीसरा कलर भी लगाना है, वो कैसे लगाना है? अब इसको करें कंट्रोल सी और कंट्रोल कॉपी पेस्ट सिंपल कंट्रोल सी भी। ठीक है, ये देखें अगर आप, तो ये कॉपी बन गई होगी इसकी, ये वाली। ठीक है yes, ये बन गई। अब इसका कलर खत्म कर दें, इनर कलर जो है, और इससे आप इजीली कर सकते हैं, इनर कलर खत्म कर दें यहाँ पे क्लिक करके। ये आपके पास जो डॉकर आ रहे हैं कलर डॉकर, इधर इससे क्लिक करें, तो अभी आप देखेंगे कि इसका कलर खत्म हो गया इनर कलर। ठीक है, ये डॉकर कहाँ पे आ रहे हैं? ये राइट राइट आपके जी सर। सर इसको वाइट पे नहीं किया, कलर कलर में कलर बाहर आ रही है जो साइड से जी सर। हाँ जी, ये आ गया। अब इसका आप कर दें कलर चेंज, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ठीक है, इसका थोड़ा सा ज्यादा कर लें, पहले 8 का 16 कर लें, कलर भी चेंज कर लें। सर जी, ये कलर अंदर वाला कलर कैसे खत्म करना था? ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये 16 लगाया तो ये काफ़ी ठीक हो गया। ये देखें, तो इसने क्योंकि कॉपी पेस्ट है बिल्कुल उसके ऊपर पड़ा हुआ, इसलिए हमें नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा। तो इसको नीचे कैसे फेंकना, आप इधर से क्लिक करें कंट्रोल और पेज अप डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, कंट्रोल और पेज अप डाउन के बटन आ रहे हैं। यस सर, वो उसको वो उसका ऑर्डर है, तो इधर से इसके ऑप्शन भी देख लें, ले मेन्यू में भी होगा इसका ऑप्शन, लेकिन शॉर्टकट इसका ये है पेज अप डाउन से ही होता है, लेट्स मूव जो है पेज अप डाउन। ये डबल स्टॉक, पहले डबल स्टॉक लगाएं ना फिर पेज अप डाउन करें, फिर शो होगा। अभी तो पता नहीं चल रहा पेज अप कहां पर है, डाउन कहां पर है। हां जी, वो हो रहा है ना, पहले ये रेड ऊपर है, तो अभी इसको डाउन पे फेंक देते हैं, सबसे नीचे चला गया। अब जी वैसे ही है, वैसे तो वैसा नहीं है, वैसे कहां है यार, ये लें पेज अप और डाउन का ऑप्शन कहां पे है? अब देखें आ रहा नजर, तीन कलर हैं जी सर, अभी भी नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं। अब आ रहा है सर? यस सर, आ गया सर जी। एक रेड है और एक ब्लैक है, दो ही कलर हैं। येलो भी है, येलो भी है भाई, दरमियान कलर कलर ब्लाइंडनेस लग रहा मुझे, ग्लासेस लगी हुई है ना। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, ग्लासेस तो लगी हैं, लेकिन मेरी जी की नजर सही है बिल्कुल। अच्छा चलें चेंज कर लेते हैं यार, वो कलर अप एंड पेज डाउन का ऑप्शन बता दे कहाँ पे। अच्छा एक मिनट सर जी, ऐसा कलर करें जो उसमें शो हो।
जैसे इसमें कर देते हैं भाई, आपको नजर आएगा दूर तक। अब आ रहा है ब्लू कर देते हैं, आ रहा है अब नजर कि वो भी नहीं है। हाँ जी सर जी, अब क्यों हो रहा है येलो येलो अगर काम है उससे भी आ जाएगा, या कोई और कर लेते हैं इससे भी थोड़ा सा। आ रहा नजर आ रहा आ रहा है, चले सही जो हो गया फिर ठीक हो गया। ये ऐसे करना, अच्छा वो अप एंड डाउन का पूछ रहे हैं वो कैसे करना। ये था ना हमारे पास इसकी मेन्यू में भी होगी सेटिंग, वो मैं आपको बताता हूँ अभी इधर से फाइंड कर लें। वैसे इसका शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल और पेज अप डाउन, कंट्रोल और पेज अप डाउन का, उधर से आप करें तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इधर भी होगा आपके पास ऑर्डर, एक मिनट अगर ये ऑर्डर लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ लेयर फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड, ये लिखे हुए हैं, इधर से भी हो सकते हैं ठीक है। ओके सर गॉट इट। ओके तो आप शॉर्टकट पे कर लें कंट्रोल पेज अप डाउन पेज एंड, इन तीनों से होते हैं। ये हो गया सबका? यस सर, यस सर। आप पेज अप डाउन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो पीछे पड़ा हुआ है इसलिए नहीं पड़ रहा है यार, उसको पहले ऊपर ले आए फिर ही फर्क पड़ेगा। यही पता तो चले कि अप डाउन हो रहा है। हाँ अब हुआ था, हो गया। यस सर, ये आपका है। अब इसको डाउन करना है तो फेंक दें इसे लास्ट पे डाउन कर दें। हो गया सर। ये टेक्स्ट हमने कॉपी किया होगा, जैसे हमने इसकी थोड़ा मतलब जगह चेंज करनी है, जब हम इसको मूव करवाएंगे तो ये मतलब सारे का सारा टेक्स्ट मूव करेगा या जस्ट कोई जो ऊपर की लेयर या नीचे की लेयर होगी वो मूव करेगी? जो ऊपर से सिलेक्ट है वही करेगा मूव, अगर सारा आपने सिलेक्ट किया हुआ ड्रैग करके तो सारा ही करेगा। अच्छा जिसको वो इधर से पेज अप डाउन से नहीं है, इधर इसकी मेन्यू में भी होती है ऑप्शन, ये ऑर्डर लिखा हुआ है ऑर्डर कौन सा है, बैक पे भेजना है टू बैक ऑफ प्लेयर बैक वन इन फ्रंट, बैक पे करते हैं इसे वो लास्ट पे चला जाएगा ठीक है। सर कैसे किया गेम बताइए? ये आपके पास टेक्स्ट है आपने सेलेक्ट किया है, या कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है उसको भेजना है फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्रंट पे या बैक पे भेजना है, इधर ऑब्जेक्ट ऑर्डर ऑर्डर में जाएं तो ये लिखा हुआ है टू बैक ऑफ पेज जी सर, इधर से करने में बैक पे चला जाए। सर इनको क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जब हम एक लेयर को दूसरी लेयर को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले आएंगे तो जो हम फर्ज करो हम जो ऊपर ले जा रहे हैं बड़ी है जो वो बड़ा स्ट्रोक है तो उसको काम करने के लिए हमें फिर स्ट्रोक काम करना पड़ेगा ना शो करने के लिए? हाँ जी वो काम करना पड़ेगा। यस सर, जब तरतीब करेंगे तो फिर स्ट्रोक को भी आपस में इंटरचेंज करें। हाँ जी, ये सिर्फ आइडिया के लिए था कि किस तरह स्ट्रोक ज्यादा करने। अब भी आप एक और लगाएंगे तो पार्टिसिपेट करके फेंके उसका स्ट्रोक सबसे ज्यादा करें फिर उसको लास्ट में लेके जाए फिर वो लगेगा बाउंड्री पे। अच्छा तो ये अगर हो गया तो चलें आगे। थर्ड वाला कौन सा? ये आपने कॉपी पेस्ट कर रही हूं लेकिन हो नहीं रहा। किसका नहीं हो रहा नाम बता दें? अच्छा मरियम काहिर, ये आप एक टेक्स्ट लें सिंपल ठीक है, ये हमने भी ऐसे लिया हुआ पहले टैक्स और आउटलाइन भी लिख लें थोड़ा सा इसको कर लें बोल्ड ताकि नजर आ सके दूर से। ये इतना हो गया आपका? ये हो गया। अभी आप इधर जाएं या F12 प्रेस कर लें, मेन्यू में भी है इसकी सेटिंग वो देख लें, या इधर से
आ लिखा हुआ है ठीक है, आउटलाइन पेन की सेटिंग ओपन हो जाएगी जैसे, ये हो गई आपकी ओपन। इधर से आप इसका कर लें कितनी ऑफलाइन देनी है, ऑप्शन आ रहे हैं जो भी आप करना चाहें, इधर आप अपनी मर्जी से भी राइट कर सकते हैं। आप मैं पेन कर रहा हूँ इधर, और साथ में इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि सेकंड ऑफलाइन हमारे पास हो जाए। टेन ये सेकंड मैंने रेड कलर किया और इसको ओके किया ठीक है, ये इसको आउटलाइन लग गई, ये कुछ ज़्यादा ही है टेन इसलिए नज़र नहीं आ रहा, बीच में हमारे पास टेक्स्ट की विड्थ जो है वो कम है। ये देखें अभी आ रहा है नज़र आपको, ये रेड और ब्लैक ये सिंपल आउटलाइन लगी है इसकी टेक्स्ट की ठीक है। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं क्योंकि ये अभी रीडेबल नहीं है, इसको 5 कर देते हैं ठीक है। ये नज़र आ रही है अब आउटलाइन जी सर। अब इसको थर्ड लगानी है हमने, तीसरी लाइन भी एक लगानी है, जैसे किसी ने पूछा था कि एक और आउटलाइन लगाना चाह रहे हैं। इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करें कंट्रोल सी और वी से ठीक है, अभी ये हो गया कॉपी पेस्ट ठीक है। इसका इनर कलर ख़त्म कर दें, अंदर वाला कलर ख़त्म कर दें, ये क्रॉस करके ऊपर ये कलर्स में जो क्रॉस आ रहा है ऊपर उधर से ख़त्म किया ठीक है, ये सिंपल आउटलाइन रहेगी आपके पास। फिर इसको आप डबल क्लिक करें, ये 5 पहले लगा हुआ है, 5 का स्ट्रोक पहले लगा हुआ है, अभी इसको पहले आप कम करके देखें, 2 करके देखें, साथ में इसका कलर चेंज करें, कलर हम कर रहे हैं ये ब्लू ठीक है। ये किया तो है, लग भी गया लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा है ठीक है। दोबारा आए उधर, इसका ज़्यादा करें, पहले 5 है इसको 16 में कर रहा हूँ, और साथ में इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ, ये स्काई ये ब्लू ब्लू कर देते हैं। ये अब थर्ड कलर जो है वो लग गया ठीक है, थर्ड कलर लग गया। अब उसके बाद आप आए पेज के ऑर्डर में, आप ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में आए ठीक है। जो ऑर्डर पे गया हूँ उसको बैक पे मैंने पेस्ट कर दिया तो ये लग गया थर्ड कलर ठीक है। क्लियर है ये आपका मरियम ताहिर, क्लियर हो गया आपको? थर्ड वाले जी सर, हाँ जी सर, देखते हैं आप। अभी आपको असाइनमेंट भी मैं देता हूँ, ये इसके कवर कर लें थोड़े से, एक और दो चीज़ें और आएगी वो देख लें क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेंड करता हूँ। ये हो गया सबका? यस सर। यस सर। और आगे नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रेडियंट कलर कैसे करना है टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये हमारा नेक्स्ट। हाँ जी आ रही है, बहुत कम सर। मेरा वो खत्म नहीं होता है, जब मैं क्रॉस करती हूँ तो सेंटर कलर खत्म नहीं होता। सेंटर कलर खत्म नहीं होता, आप सिलेक्ट नहीं ना कर रहे इसलिए नहीं खत्म होता। सिलेक्ट किया हुआ है, ये नीचे जो कलर्स आ रहे हैं ना आपके पास ये वाले, इधर से कर लें आप खत्म। ये देखें आपने सिलेक्ट किया, ये इसने ब्लैकिश कलर आपको दे दिया ठीक है जी। और इधर से आप जाएं, इधर जाके क्रॉस कर दें आप, ये आ रहा क्रॉस नो फिल एडिट फिल जहाँ पे लिखा हुआ है, हो गया। ये नीचे जाएं, दो बार क्लिक करें, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी एडिट फिल की, और इधर से इसको क्रॉस कर दें और उसके बाद ओके कर दें, हो गया। दोबारा बता दें जी, कलर उनका ख़त्म नहीं था आ रहा, वो कैसे करना था ख़त्म? ये आपके पास आ रहा है ब्लैकिश कलर ब्लैक, ये देखें अगर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, अंदर वाला इसका ब्लैक कलर ख़त्म करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें एडिट फील आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दें सर।
सर एडिट फील्ड तो आ गया है लेकिन उसके ऊपर कहीं क्रॉस नहीं आ रहा। वो ऊपर देखें सबसे टॉप लेफ्ट। सर नहीं है, वहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, एक सर्कल में कलर आ रहा है और बहुत सारे वो कलर्स आ रहे हैं उसमें। ये ओपन किया आपने कलर? सर कलर पे क्लिक किया ना तो उसके बाद वो प्लेटर एडिटर आया है, उस पे एडिट कलर पे क्लिक किया है। एडिट फील्ड पे आई हैं आप? एडिट फील्ड तो शो ही नहीं हो रहा, एडिट कलर आ रहा है। आपका एडिट कलर आ रहा है यहाँ पे? ये विंडो वहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन होगी, क्रॉस लगा होगा। ये कलर जो प्लेट बनी हुई है ना, कलर डिफरेंट कलर। सर इसके ऊपर नहीं आ रहा ना, वो डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर जिस तरह ये आपकी बार आ रही है, मेरे पास ये बार ही नहीं शो हो रही। आपके साइड पे हो रहा होगा ना, आपका वर्जन दूसरा होगा 2025। नहीं सर 18 ही है मेरे पास, 18 है। 18 ही है तो फिर आना चाहिए ना इधर। ये देखे नो किल रिमूव द किल। सर यहाँ तो यहाँ से कर लें, ये साइड पे कलर आ रहे हैं आपके? जी सर साइड पे आ रहे हैं और उसके ऊपर क्रॉस आ रहा है लेकिन उसको क्रॉस को करती हूँ तो नहीं होता। ये क्रॉस किया तो ये हो गया, सॉरी मेरे पास नहीं हो रहा। कलर को सिलेक्ट किया पहले आपने, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया? जी सर को सिलेक्ट किया हुआ है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब मैं उसको करती हूँ उसके ऊपर जाती हूँ तो वो ब्लिंक भी करता है लेकिन उसको क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। करें स्क्रीन शेयर सर। ये कहाँ से इसको शेयर करना? ये आप टीम्स में जाए ना ऊपर जहाँ पे लीव लिखा हुआ है, लीव का बटन है और उसके साथ ही स्क्रीन का भी है, वहाँ से हो जाएगा। सही है टीम्स में डिस्कर्ड। सर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो नीचे पेन के ऑप्शन पे क्रॉस आ जाता है, तो अगर मैं वो सिलेक्ट नहीं करती हूँ फिर वो ये वाला आउटलाइन पेन आउटलाइन वाला फोल्डर खुल जाता है। ये आपने सेलेक्ट किया तो कोई भी कलर नहीं आ रहा, ये आता रहा है। ये मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे ये आउटलाइन वाला कलर दे रहा है, साथ वाला फिल कलर दे रहा है, दोनों कलर आ रहे हैं। तो जी आपने सबस और ये जो रेड वाला जो आपस में एक थे उसको सेपरेट सेपरेट कैसे किया? सर मुझे नहीं पता चल रहा स्क्रीन कहाँ से शो नहीं है। तो आप ऊपर जाए ना शेयर कहाँ से करनी है? लीव का बटन होगा आपके पास, ये इसी से ऊपर जो माइक का बटन है, माइक का बटन सर उसके साथ तो हैंग अप आ रहा है, रेड कलर का बटन है उस पे लिखा हुआ है हैंग अप। आपके मेरे तो ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ पता नहीं कौन सी स्क्रीन है अगर कैसे आ रहा है। सर ये साइन इन नहीं किया तो ये शेयर ना वो, हां तीन डोर्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ना अप एरो का बटन है, फिर ओपन शेयर ट्रे आ रहा है, ये इस पे क्लिक करना है। ये कर दिया, मीटिंग माइक्रोसॉफ्ट से करना है डेस्कटॉप पे जहाँ पे जो चीज आप दिखाना चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक करो। कोरल ड्रा सॉफ्ट, हाँ ठीक है। कोरल वाली स्क्रीन करें फिर। कोरल जिधर ओपन है ना वो उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दें। टीम्स वाली स्क्रीन ना करें ओपन, कोरल वाली करें। हाँ जब करें इसको बड़ा करें स्क्रीन को। सर ये देखे ना इसको, इस पहले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये देखे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो नहीं होता। आप नया टेक्स्ट लिखे हैं फिर? सर शायद इनका स्ट्रोक जो है वो काफी मतलब बड़ा है इस वजह से नहीं हो रहा इनको शो। लिखे अभी अपना नाम कुछ भी लिख लो।
बड़ा करें इसे। और बड़ा करें इसको, बोल्ड करें थोड़ा सा, पहले बोल्ड कर लें, कैंसिल कर दें। ठीक है, अब इसको हटाएं ना इसका, ये कर्सर जो है वो मिस, इसका कर्सर हटाएं वो सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करके। चलें अब करें इसका कलर, ठीक है ठीक है, अब करें इसको, सही है सही है। हाँ जी, पहले इसकी विड्थ दें, विड्थ में आए, विड्थ में आए पहले, अब दें इधर से स्टोव 8 कर लें, 10 कर लें, अब जाएं कलर के ऊपर डबल क्लिक कर लें, चलें ऐसे कर लें, दें ओके करें, हो गया, काफी ज्यादा लग गया, कंट्रोल जी करें, ये ऐसे ही, ये नीचे जो है सर, इन्होंने जब विड्थ दी है उसके साथ पिक्सल नहीं है, पॉइंट्स है, मैंने भी ये मिस्टेक की थी तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, उसका वहां पे कम कर लें, पॉइंट्स में कम कर लें, पिक्सल पिक्सल सेलेक्ट करें विड्थ के साथ जो है, इधर खुद टाइप करें। हां जी, वो ऑप्शन चेंज करनी पड़ी, आप पीएक्स लिख दें इसके साथ, पॉइंट्स में बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है, आप कम करें इसको। अभी कलर नहीं आपने चेंज किया, दोनों ब्लैक हो गए, इसका कलर चेंज कर रेड कर दें, चलें आप जाएं वापस, ओके हो गया ये, अब इधर वाले पे आए, क्रॉस हो गया आपका, पेन टूल बता रहे थे वो भी नहीं मुझे शो हो रहा, पता नहीं चल रहा, ये वाला कह रहे थे जिससे F12 वाली ऑप्शन ओपन हो जाती है, सात वाली राइट 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 और राइट, कलर के ऊपर डबल क्लिक, कलर रेड जी ठीक है सर, करें इसके ऊपर क्लिक, वाले हो गया, ठीक है सर हो गया। चलें ये अभी ब्रेक करनी है आप लोगों ने? जी सर ब्रेक कर लेते हैं, जी बहुत कर लिया आज, बस चलें नमाज पढ़ लें और लोग ब्रेक करें, उसके बाद मैं असाइनमेंट सेंड करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में अपेयरेंस पैनल से डायरेक्ट स्ट्रोक मल्टीपल स्ट्रोक, मल्टीपल नहीं है, टैंक नहीं रहता, ये मल्टीपल ही हो गया, आप कॉपी पेस्ट करते हैं, उधर भी ऐसे ही करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और स्टॉक या ऊपर वाले नीचे वाले कम ज्यादा रखते हैं, इधर भी वैसे ही, जैसे वहाँ पे डायरेक्टली भी हम स्टॉक्स मल्टीपल कर सकते हैं, एक से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलग से कॉपी पेस्ट करते हैं टेक्स्ट को, फिर उसकी फिल खत्म करते हैं, फिर जाके उसका स्ट्रोक बढ़ा के फिर उसको एक और स्ट्रोक देते हैं, वो बस थोड़ा सा वे डिफरेंट है, उधर थोड़ा सा और था, इधर थोड़ा और, ये सर वो थोड़ा सिंपल था ना, इन ये ट्राई करते जाए ज्यादा से ज्यादा। अभी सर ये शॉर्ट, हेलो सर जी, सर जी ये जो आपने शॉर्ट की बताई थी वो तो F12 है, लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है वो, जो मतलब ऑब्जेक्ट में जाना उसमें? हाँ जी, ऑब्जेक्ट में जाके ऑर्डर में, किसका भला? ये जो फॉन्ट का था सर, फॉन्ट का बता रहे थे ना, फॉन्ट का नहीं, मैं वो लेज का बता रहा था, उसको अप डाउन जो है वो कैसे करना जी, ठीक ओके, ऑब्जेक्ट और ऑर्डर में जाके उसको move to forward या backward, बताइएगा ये जब हम कॉपी पेस्ट करके सेलेक्ट करते हैं, और अगर जैसे अभी मैंने ये किया था फिल करने के लिए, उसका साइज बड़ा कर दिया, दूसरे वाले का साइज छोटा था,
तो अगर साइज सेम करना हो दोनों को ऊपर नीचे रख के, तो वो कोई उसके लिए भी की है या उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा? ऊपर नीचे रख के से कलर डिफरेंट करने हैं सर, साइज अगर डिफरेंट हो जाता है, एक नीचे वाले टेक्स्ट और ऊपर वाले टेक्स्ट का साइज डिफरेंट हो गया, तो उसको सेम साइज में लाने के लिए उसको एडजस्ट वैसे करना पड़ेगा या उसके लिए कोई ऑप्शन भी है कि दोनों सेम साइज में आ जाएं? जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो साइज तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। मैंने जैसे किया था अभी, मैंने उसको साइड पे करके और कलर फिल करने के लिए साइज चेंज किया था ना, तो जब मैं दोबारा उसके ऊपर ला रही हूँ तो दोनों टेक्स्ट का साइज डिफरेंट हो गया। अगर इन दोनों को साइज सेम करना हो तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है? साइज सेम करना है तो वो ऊपर साइज लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट का, उधर से सेम कर दें और दोनों को आप सिलेक्ट करें इधर से, ठीक है। और इधर अलाइन का आपके पास ऑप्शन आ रहा हो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इधर से अलाइन कर दें आप टॉप सेंटर बॉटम कौन सा भी करना है आपने जो अंकल, तो अलाइन हो जाएंगे। ये मैंने किया है, दोनों ऊपर नीचे हो गए खुद ही, ठीक है। मेरे साथ शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, आपके बाद लगता शेयर हुई नहीं है। अभी आई थिंक ब्रेक कर लें, उसके बाद बता देता हूँ। ये दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं आप कैसे? जी जी ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें फिर ड्रैग करके। क्या हो गया अभी, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएं तो ये लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, स्क्रीन हेल्ड हुई है। चलें आप ऐसा करें, ब्रेक कर लें उसके बाद फिर पूछिएगा क्वेश्चन, ठीक है सर। ये असाइनमेंट भेज दें जल्दी, असाइनमेंट भेज देते हैं, ब्रेक के बाद सेंड करता हूँ। अभी ब्रेक करें आप लोग, कितने बजे तक सर ब्रेक है? चलो मैं असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, वो भी अब ब्रेक में करें, असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। जी होगी शेयर अभी तक तो नहीं हो रहा, अब हुई है। सर टच नीचे नहीं आ रहा, सर नीचे आ गया है, सर नीचे आ गया है। सर वो अब ये असाइनमेंट देखे ना तो वो आपको समझ आ जाएगी, नीचे आ रही है लेकिन उल्टा सीधा है, सही तरह नहीं है। सर मिरर फिटेड का वो नहीं किया होगा, इस वजह से नहीं आ रहा। अच्छा नीचे आपको उल्टा सीखना है, अभी तो इसको एक बार जो है वो वर्टिकल के ऊपर क्लिक करें हो जाएगा आपका। हॉरिजॉन्टल अलाइन है ये, हॉरिजॉन्टल आपका हो गया, वर्टिकल करें एक बार इसे ज़्यादातर क्लिक। जी सर, नीचे वाला इसमें ना जी, नीचे वाले के ऊपर क्लिक करके वो ऊपर जाए मेन्यू जो है आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाला मेन्यू प्रॉपर्टी बार, उसके ऊपर क्लिक करें, वर्टिकल के ऊपर करें जो राइट साइड वाले वाला ना, उस पर करें क्लिक। हो गया सर, मेरा फ्लैग ही पूरे का पूरा होता है, जो मेरे नीचे ना वो भी नहीं ना रहा, बड़ी मुश्किल से हुआ, अभी फिर नहीं हो रहा, अब हो गया। हो गया सही, नहीं सर अभी तो सिलेक्ट हुआ है। सर आप कौन सा मिरर करना है? वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हुआ पड़ा, ये कुछ नहीं वैसे का वैसे ही है सर। चलो देख लें, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये टैक्स इधर लिखे कोई भी, स्क्रीन शेयर है, ये आपने टैक्स लिख लिया, इधर टैक्स में आए, ठीक है इधर ये हो गया। ठीक है कैसे हो गया, इसके बाद इसकी कॉपी करने
कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया नीचे। ठीक है, ये सेटिंग तो आपकी हो गई है पहले ही, तो उसमें से वो कर लिया और सेलेक्ट आपने ऑप्शन टेक्स्ट वाला। यस सर। उसके बाद आपने एक बार ये क्लिक करना है मेरा टैक्स ओरिजिनली, ये इस तरह आपका आ रहा है ना। सर ये तीन स्टक हुई पड़ी है। हां, तीन स्टक हो गई है। हो गई है सही। हां जी सर, सही। ये देखिए आपका इस तरह आ रहा होगा, ये इधर पे उल्टा है, आपने ओरिजिनल किया हुआ है। फिर साथ वाले पे एक बार पहले इस पे करना है, फिर ये साथ वाले पे वर्टिकल पे आगे सीधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होना है। और और किसी को कोई इशू आया सर? मैं आपको यही दोबारा बता दें, ये नहीं समझ आया। किसको नहीं समझ आया? सर मेरा भी ना सर, मैंने एक उल्टा लिखा गया सीधा सर, ये नहीं समझ आ रहा, ये बता दें। किसको नहीं समझ आया? सबसे ज्यादा। अच्छा, वो ये देखें आपको बता रहा है सर, ये हो गया। ये हो गया जी सर, ये यहाँ तक हो गया। अभी कॉपी पेस्ट कर लें एक बार कंट्रोल सी वी से। जी सर, वो भी कर लिया। उसके बाद ये नीचे ले आए, थोड़ा दूर कर लें ताकि क्लियर हो जाए। ये इतना हो गया जी सर। और वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए थे आपने टेक्स्ट में से? जी सर, मैंने वो वर्टिकल किया था लेकिन हो नहीं रहा। इसके बाद आपने ये इधर जाना, ये आ गया आपके पास ओरिजेंटल और वर्टिकल मिरर। पहले एक बार ओरिजेंटल करें, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल कर दें, सीधा हो जाएगा। ठीक है सर, आ गई समझ। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को है? सर मेरा क्वेश्चन, दीवान भाई बंद कर लें आप। मेरे क्वेश्चन था कि सर जब जैसे इलस्ट्रेटर में हम एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो यहाँ पे हम जब फाइल सेव करते हैं तो सर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं या सेव एज करते हैं? सेव एज करेंगे तो उधर ऑप्शन आ रही होंगी फाइल, मतलब सेव करनी है CDR की, कोरल ड्रा की फाइल्स हैं, इलस्ट्रेटर की फाइल्स हैं। तो अगर एक्सपोर्ट करना है तो उधर दूसरे आ रहे हैं ऑप्शन, PNG, JPG, PDF, इस तरह से लग लग सेव करेंगे तो इसमें PDF आता है। वैसे हम किस चीज में करते हैं, PNG में करते हैं या वैसे उसको फाइल में सेव कर देते हैं? फाइल में भी करते हैं, फाइल में आपने अपने पास रखना है उसको सेव, तो फाइल में करेंगे। अगर वैसे रिजल्ट देखने के लिए करना है, किसी के सेंड करनी है, तो फिर PNG JPG में कर लें, PDF में कर लें। फाइल को आप बाद में एडिट करना पड़ जाती है, फाइल में सेव करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन करें, आप क्या कह रहे थे? मनान सर मेरी असाइनमेंट देख लें, वो हो गई आपकी साल कैसा नगर की? यस सर, मैंने करवा दिया सबमिट। कैसा नगर की? यस सर। हाँ जी सही है आपकी असाइनमेंट, बिल्कुल सही है। देख ली थी हम। हाँ जी, अभी ओपन की हुई है। और थर्ड वाली किधर है? सर उसी के अंदर है, तीनों उसके एक के अंदर है, डाउनलोड कर लो। साइट पे कर रही हैं नंबर को। पहले आपने करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक, मतलब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक, तो उसके बाद इस पे करना है। पहले अपने टेक्स्ट के ऊपर करें क्लिक, उसके बाद इस पे। ये जो कलर आ रहा है मेरा रेड कलर शो हो रहा है, मैं इस रेड कलर को चेंज करना चाहती हूँ ग्रीन में, जो कि हो नहीं रहा।
रेड लगा हुआ है उसको। स्क्रीन शेयर कर लें तो फिर बता देता हूँ, ये ऐसे समझ नहीं आया। और जो काम लैपटॉप से होगा उसके स्क्रीन शेयर कैसे होगा? तो नहीं होगा स्क्रीन शेयर। यस सर। दानियल मुमताज आपके थर्ड पोजीशन किधर है? अच्छा ठीक है सर। हां जी सर, जैसे ही आपने मुझे बताया सर, ये जैसे ज्यादा ठीक लिखा सर, ये बाहर आगे जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ ना तो सर ये सर्कल के अंदर लिखा जाता है। क्या करती है सर? ये जो जाहिदा ठीक लिखा हुआ है सर नीचे, आपने इसको किया है ना वो मिरर ऑप्शन से सर, जब मैं इस पे करती हूँ ना वर्टिकली टेक्स्ट वर्टिकली करती हूँ तो सर ये जो ये टेक्स्ट हुआ है ना ये सर्कल के अंदर लिखा जाता है। तो आपने पहले पास किया होगा, इसको थोड़ा ड्रैग करके खींच के बाहर कर दें। देख हो गया सबकी असाइनमेंट? जी सर। सर लीव कर सर। सर ये मेरी भी चेक कर लें। मरोफ अफजल की? जी सर। मरोफ अफजल मारूफ अफजल क्रिएटिव डिजाइनर। हाँ जी सही है जी आपकी सारे ठीक है। सर मेरी भी देख लें। सर मेरे भी देख लें। अच्छा मारूफ ठीक है आपके? जी सर शुक्रिया। जी सर शुक्रिया। रुकमान जी आपने ये पिक्चर लेके भेज दी है? जी सर पिक्चर ही लिए, वो ना सर सॉफ्टवेयर की वजह से वो सेव नहीं हो रही। तो आपने ये लगाई हुई है? ठीक है। ऑफलाइन लगाई है थर्ड पे? जी सर लगाई है ग्रीन कलर में। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी मनान सर वॉइस कौन बोल रहा था जी? जी सर अब्दुल मनान। सर ताहिरा। ठीक है ताहिरा आप क्यों करते हैं? अब्दुल मनान आपने की है सेंड। अब्दुल मनान ठीक है। अच्छा आपने भी पिक्चर भेजी अब्दुल मनान? ठीक है बिल्कुल। सर वो होनी का सेव नहीं होगी इसलिए। ठीक है जी हैप्पी टिकट भैया सही है। अरे ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें डबल जो तीन शेड वाला आपने बताया है जो यानी कि तीन लगते हैं वो नहीं हो रहा मेरे से। चलें वो भी देख लेते हैं अपने लिए असाइनमेंट चेक कर लें। ताहिरा भी ताहिरा वो आपने सेकंड वाली किधर लिखा हुआ है? आप पास किधर नीचे? ठीक है वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर है। दूर वर्किंग फाइल जो है वो उस पर फैला हुआ ज़्यादा था, वो जूम ज़्यादा था ना, तो जब मैंने उसे एक्सपोर्ट किया तो वो कॉर्नर्स पे चला गया। ठीक है वैसे आपकी। अच्छा मनान इसको ना जो थर्ड लगाना है थर्ड ऑनलाइन लगानी है, पहले साइकिल को कॉपी पेस्ट कर लें एक बार। ठीक है हाँ जी इनर कलर ख़त्म करें और उसको उसको विड्थ से ज़्यादा दे के बैक एंड से सेंड कर दें, कॉपी कर दें बैक पे सब पे लास्ट पे फिर वो नज़र आएगी। और भी मेथड हैं आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट मेथड, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कर लें। ओके बाकी किसी को कोई इशू? सब कुछ क्लियर है? अगर कोई है तो नोट डाउन कर लें, आज के लेक्चर से रिगार्डिंग वो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है
ओके सर, टाइमर चेक करके बता देना कल। ठीक है जी, हुमा कपूर असाइनमेंट चेक कर लेता मैं। हाँ जी हाँ जी, आप पढ़ लें नमाज ऐसे क्लास 6:30 तक। नमाज पढ़। चलिए सर, थैंक यू। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें, अभी 6:30 तक है क्लास का टाइम, किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी में। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।